और गलत को तो हो रहा है कि मंत्री हुकूमत से नहीं बैठ रहे हैं, चाहे उनकी बजाटी होना या पार्लियामेंट में या कोई और चीज का होना या आज के लोग नहीं है बल्कि राजस्थान के गुजरात के कोई हरियाणा में पूरा दिन तो उनकी मेहरबानी का हो रहा था। अच्छा मैं क्या ना गुजर का बोला ना पानी का बोला किसी आवाज देगी तो कोई गुजरात प्रदेश के अंदर मैं नौकरी की दर्ज होना नारे तकबीर आजाद हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान। मैं पहाड़ी कल्चरल फोरम एंगल के अधिकारी को हम आप एक धारणा लेके जमा हुए हैं कि पहाड़ी जो ट्राइब जो है इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, जिसकी एडमिशन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने करके रखी है और ये वादा भी दिया है कि पहाड़ी कौम जहाँ भी है पहाड़ी ट्राइब जहाँ भी है उनका स्टेटस का दर्जा जो है एसटी का दर्जा उनको दिया जाएगा। इसी तरह से हम इस प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो अपने वादा जो है उसको वफा करें और हक वाले को हक दे दें। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी दूसरे का हक छीनें, जिस किस दूसरी कौम जो है या दूसरे एसटी वाले जो हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनको जो हक मिला है माशाल्लाह हम उनके साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि उनके हकूक़ का भी तहफ़ हो, लेकिन उनके हकूक़ को हम कतन भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके हकूक़ की वजह से हमारा हकूक़ जो है उसको ज़ाया किया जाए या हमें वो हकूक़ जो है वो ना दिए जाएँ। हम गुजारिश करेंगे दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो फिलफोर हमारे इस जो मतालबा जो है इसको पूरा करते हुए पहाड़ी कौम जो है ये पहाड़ी कबीला जो है इसको एसटी का दर्जा जो है ये दिया जाए। मेरी हिंदुस्तान के मोहतरम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से ये पुरजोर अपील है कि जो एश्योरेंस हमें देवगौड़ा जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी है और फिर इन्होंने ख़ुद ही लाल किला से इस पहाड़ी कबीले के बारे में जो बात की है उसको ये पूरा करें और हमें शेड्यूल ट्राइब दें। बस हमारी